एंड वेलकम गाइस, मैं हूं अभिषेक, आपका दोस्त, आपका होस्ट, जैसे भी आप प्यार से बुलाएं। स्वागत है आप सभी का ऑन द फिफ्थ एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट सिंप्लीफाई फाइनेंस विद अभिषेक, पावर्ड बाय मार्केटिंग हुक। इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑन द टॉपिक ऑफ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स। दिस एपिसोड इज ऑल अबाउट इंट्रोड्यूसिंग यू टू द पावरफुल वर्ल्ड ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स। वैसे स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर एक अलग से ही पॉडकास्ट की सीरीज बन सकती है, बट विद द हेल्प ऑफ दिस एपिसोड मैं आपको वो सारा बेसिक नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ जो हर एक अच्छे इन्वेस्टर को जरूर पता होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं स्टॉक मार्केट से। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज वेयर द कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड टू इश्यू द सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स टू रेज मनी। मतलब कि प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां पर कोई भी स्टॉक और सिक्योरिटी क्रिएट होती है, एंड ये वो मार्केट है जहां पर कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम पैसे रेज करने के लिए अपने नए शेयर सेल करती है टू द जनरल पब्लिक वाया आईपीओ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज एन आईपीओ। एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ एज वी ऑल नो, सिंपली मीन्स आई एम गोइंग टू द पब्लिक लाइक यू गाइज एंड से गिव मी योर मनी एंड टेक माई इक्विटी शेयर फॉर दैट। That's it, as simple as that. So IPO एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर कंपनी अपने शेयर सेल करती है फॉर द फर्स्ट टाइम टू अचीव इट्स मेन गोल ऑफ रेजिंग मनी। वेल, IPO आने से पहले आप उस कंपनी के शेयर्स बाय नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। एंड ऐसा भी नहीं है कि कोई भी कंपनी कभी भी IPO लॉन्च कर सकती है। IPO itself इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस जिसमें काफी महीने लग जाते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आपको आईपीओ फाइल करना पड़ता है टू द सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो एक रेगुलेटर है इंडिया के सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज मार्केट का, एंड विच इज ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ वंस द आईपीओ इज डन, विच मीन्स आईपीओ के सक्सेसफुल हो जाने के बाद वो जाता है सेकेंडरी मार्केट एंड देन इट फाइनली गेट्स लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। आफ्टर गेटिंग लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, एवरीवन कैन बाय और सेल अ स्टॉक ऑफ अ कंपनी, वेयर इन द केस ऑफ आईपीओ Only limited number of people can buy the IPO. Sometimes your luck also gets in the picture. Now let's understand what is secondary market. So the secondary market is the place where anyone can buy or sell a stock. Secondary market वो market है जहां पर आपको एक और chance मिलता है वो सारे shares बेचने का जो आपने primary market से लिए है via IPO. And the main benefit of secondary market is यहां पर आप अपनी मर्जी के quantity shares खरीद या बेच सकते हैं। वेर इन द केस ऑफ आईपीओ आपको वही सेम लॉट साइज में बिड करना है जो ऑलरेडी अलॉटेड है। सो द सेकेंडरी मार्केट और कुछ नहीं बट वही आपका स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर आप, मैं और हमारे जैसे लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स आकर स्टॉक्स बाय एंड सेल करते हैं। वेल, दिस इज द मेन ओवरव्यू अबाउट हाउ अ स्टॉक इज गेटिंग लिस्टेड ऑन द मार्केट। तो आइए अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में। एज आई सेड, स्टॉक एक्सचेंज वही आपका सेकेंडरी मार्केट है। So there are two stock exchanges which are very important and they are national level stock exchanges of India, BSE and NSE, Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. ये तो stock exchanges की बात हो गई। For the commodity derivatives market, there are ICEX, MCX, NCDEX. So in short, exchanges are the place where you can buy or sell your equities or commodities, whatever you want. But here is the big catch. आप एज अ इन्वेस्टर डायरेक्टली NSE या तो BSE की साइट पर जाकर कोई भी शेयर बाय या सेल नहीं कर सकते। यहां पर बात आ जाती है द मिडल मैन की, जो आपके बिहाफ में आपके कहने पर बाय और सेल करता है। दैट मिडल मैन इज कॉल्ड स्टॉक ब्रोकर्स। दे आर द की प्लेयर्स इन द मार्केट। HDFC सिक्योरिटीज, ICICI डायरेक्ट, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, जीरोदा, एंजल ब्रोकिंग, इन सब का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं और ये स्टॉक ब्रोकर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ। दे ट्रेड ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। सो इन सिंपल वे, सपोज कि मुझे रिलायंस के 5 शेयर खरीदने हैं तो मैं मेरा ऑर्डर प्लेस करूंगा ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे, यानी कि अपने डीमैट अकाउंट पर, एंड मेरा ब्रोकर वो ऑर्डर पास ऑन करेगा टू द स्टॉक एक्सचेंज। लाइक कोई है जिनको रिलायंस के 5 शेयर बेचने हैं, एंड जैसे ही स्टॉक एक्सचेंजेस से कंफर्मेशन मिलता है यस देर इज अ मैच, देन माय ब्रोकर विल फैसिलिटेट दिस ट्रांजेक्शन एंड मुझे मेरे 5 शेयर मिल जाएंगे एंड सेलर को उसके पैसे। तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी लंबी प्रोसीजर है। ये तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया,
अदरवाइज सिर्फ ब्रोकर ही नहीं होता, देर आर सो मेनी एंटिटीज इन बिटवीन जिनकी मदद से ये एक ट्रांजेक्शन कम्प्लीट होता है। बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ये सारी प्रोसीजर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो जाती है, जिसका हमको अंदाजा भी नहीं लगता। सो थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी कि ये सारी जो भी प्रोसीजर है वो अब ऑनलाइन हो चुकी है एंड इससे हमारा काफ़ी टाइम बच गया है। नाउ वी कैन बाय और सेल एनी सिक्योरिटीज बाय सिटिंग एट होम। अदरवाइज अगर आपको याद हो तो ये सारी प्रोसीजर पहले ऑफलाइन हुआ करती थी। अगर आप कोई भी शेयर खरीदना या तो बेचना है तो आपको फिजिकली उस ब्रोकर के पास जाना पड़ता था और उसको बोलना पड़ता था कि प्लीज बाय दिस शेयर फॉर मी और बाय दैट शेयर फॉर मी। एंड बाय करने के बाद हमको वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। सो ये काफ़ी लंबी प्रोसीजर है और अगर आपको याद नहीं है तो आपने मूवीज में भी देख रखा होगा। एंड रिसेंटली एक बहुत अच्छी सीजन आई है स्कैम 1992, मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि उसको ज़रूर देखिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चलेगी कि कैसे ट्रेडिशनली ये स्टॉक मार्केट वर्क करता था। अब तो ये काफ़ी आसान हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है आफ्टर द टेक्नोलॉजी ऑफ डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस अपने ब्रोकर के साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंड देन आप इजीली कहीं से भी, इवन घर पर बैठकर भी आराम से कोई भी स्टॉक बाय और सेल कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। एंड आई होप कि मेरे सारे व्यूअर्स या तो मेरी ऑडियंस में से अब कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये बोलेगा कि आई एम बिगिनर इन द स्टॉक मार्केट, आई डोंट नो मच। बिकॉज जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिफोर प्लेसिंग योर फर्स्ट बाय ऑर्डर, मैंने वो सारी कवर कर ली है। बस एक छोटा सा डाउट भी सॉल्व कर देना चाहता हूँ। आई एम श्योर कि एज अ बिगिनर लेवल पर ये डाउट काफ़ी लोगों के माइंड में होगा, बट वो इसको सिली डाउट मानकर इग्नोर करते हैं एंड किसी से पूछते नहीं है। एंड दैट डाउट इज वॉट इफ कि कल को हमारा जो ब्रोकर है वो कंपनी बंद हो जाए या तो फिर वो ब्रोकर सब कुछ लेकर भाग जाए, तो उस केस में हमारे शेयर्स का क्या होगा? बिकॉज वो शेयर्स तो हमने उनके साथ जो डीमैट अकाउंट है उसमें बाय कर रखे हैं। वेल, दिस इज नॉट अ सिली क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एज अ बिगिनर लेवल पर सबके दिमाग में जरूर आना चाहिए। सो द आंसर इज डोंट वरी गाइज, योर स्टॉक्स आर सेफ, देर आर सेपरेट डिपॉजिटरीज फॉर दैट। हमारी कंट्री के पास ऐसे दो क्लियरिंग हाउस है, NSDL एंड CDSL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। सो वॉट इज डिपॉजिटरी? तो इन सिंपल वर्ड्स, डिपॉजिटरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो इन्वेस्टर्स के शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड करके रखता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, जैसे एक बैंक आपके पैसे होल्ड करके रखता है, वैसे ही ये डिपॉजिटरी एक सेपरेट बॉडी है, एक सेपरेट कंपनी है जो आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड करके रखती है। सो इवन इफ कल को HDFC सिक्योरिटीज, ICICI डायरेक्ट, जीरोधा या तो कोई भी आपका जो ब्रोकर है वो कंपनी XYZ रीजन से बंद हो जाती है, फिर भी आपके सारे शेयर्स सेफ है बिकॉज दिस डिपॉजिटरीज हैव ऑल योर रिकॉर्ड्स। सो बिल्कुल भी मत घबराइए। दैट्स ऑल फॉर द स्टॉक मार्केट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स क्या है, म्यूचुअल फंड सही है या नहीं? सो द आंसर इज म्यूचुअल फंड एक स्पेशल टाइप की इन्वेस्टमेंट है जिसके थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हो एक ही जगह पर इन्वेस्ट करके। सो बेसिकली क्या होता है कि आप अपना पैसा एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हो एंड आप जैसे बहुत सारे लोग भी अपना पैसा उस कंपनी को देते हैं, तो वो सारा पैसा वो कंपनी अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर देती है एक एक्सपर्ट की राय लेकर एंड उस एक्सपर्ट को फंड मैनेजर बोलते हैं। एंड अब उन सारी अलग अलग जगह के इन्वेस्टमेंट से जो कलेक्टिव रिटर्न मिलता है उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने पास रख लेती है एज अ प्रॉफिट एंड बाकी का रिटर्न आपको वापस कर दिया जाता है उसी रिटर्न रेट के हिसाब से। सो दिस इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड। अब इन टाइप्स के अंदर भी बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है स्टॉक्स में। सो इसमें भी बहुत सारे सब टाइप्स आते हैं जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस आर हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न कैटेगरी। सिमिलरली इन डेट म्यूचुअल फंड्स आपके पैसों को डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि बॉन्ड्स, डिबेंचर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इन सब में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें भी बहुत सारे सब टाइप्स आते हैं जैसे कि लिक्विड फंड्स, गिल्ट फंड, फिक्स मेच्योरिटी प्लान। दीज आर लो रिस्क लो रिटर्न म्यूचुअल फंड्स। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज हाइब्रिड फंड्स। ये तो नाम से ही समझ आ जा रहा होगा, इसमें इक्विटी एंड डेट दोनों का मिक्सचर होता है।
इसमें भी सब टाइप्स है, जैसे कि इक्विटी ओरिएंटेड, डेट ओरिएंटेड, आर्बिट्राज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट मैं ये सारे टाइप्स डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट ये काफ़ी आसान है, आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं, नेट पर भी पढ़कर आप समझ जाएंगे कि ये कैसे काम करते हैं। सो ये बात हो गई व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स एंड देयर टाइप्स। अब बात करते हैं द मोस्ट डिबेटेबल क्वेश्चन इन म्यूचुअल फंड्स, SIP और लमसम, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। वेल, SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, विच सिंपली मीन्स सिस्टमेटिकली हर महीने आपके अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट जो आपने डिसाइड किया है वो डिडक्ट हो जाएगा एंड दैट सेम अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड्स। सो इट इज एन ऑटो पायलट सिस्टम, जहां पर आपको कुछ नहीं करना, वो अपने आप ही हर महीने आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट करके इन्वेस्ट करता जाएगा। वेल, इन द केस ऑफ लमसम आप एक सिंगल अमाउंट एक ही शॉट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द डिबेटेबल क्वेश्चन, अगर आपके पास 1,00,000 रुपए है एंड वो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन विच इज द बेटर ऑप्शन, 10,000 रुपए की SIP करेंगे एवरी मंथ, या तो फिर डायरेक्ट एक साथ एक ही शॉट में पूरा 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर देंगे, किस में आपको ज्यादा फायदा होगा? वेल, मेरे हिसाब से तो कौन सा बेटर है ये हम नहीं बोल सकते, बिकॉज दोनों केस में अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन कि हमें क्या करना चाहिए। वैसे SIP के एडवांटेज तो सबको पता ही होंगे, लाइक आपका टाइम सेव होता है, आपको कॉन्स्टेंटली मार्केट को वॉच नहीं करना पड़ता, एवरी मंथ इन्वेस्ट करने से आपकी एवरेज प्राइस मेंटेन रहती है और एक अच्छी सी इन्वेस्टमेंट की हैबिट भी बन जाती है। सो SIP में तो फायदा है ही, बट वॉट इफ कि मैं आपको बोलूं समटाइम्स लमसम इन्वेस्टमेंट आपको SIP से भी ज्यादा फायदा दे सकते हैं। स्ट्रेंज राइट? ट्रस्ट मी, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, बिकॉज सब लोग सिर्फ SIP के ही गुणगान गाते हैं, बट आई हैव अ प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन, सो ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर आपके पास 1,00,000 रुपए है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड उसको अगर आप एक ही शॉट में इन्वेस्ट करते हैं, तो जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया उस दिन की एवरेज प्राइस मिलेगी आपको। सपोज कि आपने आज इन्वेस्ट किया इन XYZ शेयर्स लाइक रिलायंस और TCS, तो जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया उस दिन की शेयर प्राइस ही आपकी एवरेज प्राइस रहेगी, बिकॉज आप एक ही बार में इन्वेस्ट कर दे रहे। नाउ इन द केस ऑफ SIP, अगर आप एवरी मंथ 10,000 रुपये की SIP करते हैं, तो मान लीजिए उस शेयर की प्राइस एवरी मंथ बढ़ती जा रही है, तो ये वाले केस में SIP के कारण हर महीने आप महंगी प्राइस पर बाय करते जाएंगे, दैट्स वाई आपकी एवरेज प्राइस बढ़ती जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कि SIP की वजह से आप सेविंग्स तो ज़्यादा कर रहे हैं, बट वेन इट कम्स टू एक्चुअल रिटर्न, देन लमसम वाले केस में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, बिकॉज वहाँ पर आपकी एवरेज प्राइस काफ़ी डाउन है। सो वी कांट परफेक्टली से विच इज़ बेटर ऑप्शन, इट डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। That's all for the mutual funds. Now, at the end of this episode, I want to give you guys one big advice. So, ध्यान से सुनिएगा इस बात को and hashtag note कर लीजिए। आप कभी भी कहीं पर भी invest करिए, like stock market or a mutual fund, always go behind the percentage of returns. Don't go behind the NAV value like net asset value of a mutual fund or a share price. Because मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो percentage of returns जैसे अच्छे parameter को छोड़कर दूसरे पैरामीटर्स को जज कर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि ये वाले शेयर की प्राइस 1,000 रुपए है, वो मुझे ज़्यादा लग रही है, वो काफ़ी ओवर वैल्यूड है, तो उसको छोड़कर मैं 50 रुपए वाले अंडर वैल्यूड शेयर को ले लेता हूँ, जिससे मेरी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और मेरे को रिटर्न्स भी अच्छे मिल जाएंगे। दिस मेथडोलॉजी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लुक एट द परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स, अगर 1,000 रुपए वाला शेयर आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, देन बाय दैट इंस्टेड ऑफ बाइंग 50 रुपीज़ वाले शेयर की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी। इवन इन द म्यूचुअल फंड ऑल्सो, फंड के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को देखने की जगह स्टार रेटिंग्स एंड NAV वैल्यू जैसे चीजों को देखकर लोग इन्वेस्ट करते हैं। सो गाइज, ऑलवेज डू प्रॉपर रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। दैट्स इट फॉर द टूडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले एपिसोड में। टिल देन, सी यू गाइज, स्टे ट्यून फॉर मोर एपिसोड्स एंड डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन टू #note कर लीजिए।